जाती है उसको क्या कहते हैं, विष्णुपुरी को वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ में जाती है तो फिर बहुत अति सुख भोगती है, बहुत सुख भोगती है। फिर शिवपुरी में चली जाती है शांति के लिए, तो शांति वहाँ एकदम शिवपुरी में शांति होती है। फिर उसको निराकारी अवस्था चाहिए तो परमधाम में जाती है, परमधाम के अंदर चली जाती है आत्मा, तो निराकार हो जाती है आत्मा, परमधाम में निराकार हो जाती है, उसका शरीर नहीं होता, आत्मा भी हो जाती है। फिर उसको बोला बोलिए यहाँ ज्योत है परमधाम में, शिवलिंग की ज्योत है, शिव की ज्योत है, तो ज्योत में ज्योत समा जाए, उसकी आत्मा समा जाए, तो उसको मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आत्मा निराकार शिव में ज्योतिर्लिंग में समा जाए तो उसको मुक्ति होगी, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। मुक्ति माना आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म, आत्मा का अस्तित्व खत्म। मगर यहाँ बाहर रह के भी परमधाम में आत्मा ही रहती है, मगर परमधाम से नीचे आने की संभावना नहीं है, विष्णु पुरुष से भी नीचे की आने की संभावना नहीं है। मगर जैसे कृष्ण अवतार हुआ, तो कृष्ण अवतार में जब विष्णु का अवतार होना था, क्योंकि विष्णु के 24 अवतार हुए, शिव के 28 अवतार हुए, जैसे हनुमान रुद्र अवतार था तो 11वां रुद्र अवतार था शिव का, रुद्र का शिव, रुद्र माने शिव। तो यहाँ से अवतार को ऊपर लेते हैं तो यहाँ छोटे छोटे बिंदु रूप में अवतार लेते हैं। तो जब कृष्ण का अवतार होना था तब वहां बैठी हुई विष्णुपुरी में कई आत्माएं ऐसी थी जो बहुत पावरफुल, बड़े 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 महर्षि, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके जो ऊपर गए थे वो थे। उनको पता लगा कि विष्णु का अवतार होना है तो हम भी जाके वो ग्वाला बने, वो गोपिया बने और फिर उनके साथ सखा भाव से रहे। तो साकार में जब अवतार होता है, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, ये सब अवतार होते रहे। तीसरे लोक में रहने वाले बंदर भी अवतार धारण करके राम की सेना बन के आए रावण को मराने के लिए, रावण को मारने के लिए देवताओं ने विश्वास किया। और यहाँ भी नरक में बैठी हुई आत्मा चली जाती है, आत्मा की पावर खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो नरक में जाती है आत्मा। जब बात बहुत पाप करती है तो आत्मा का सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर और कारण शरीर, कारण शरीर माना आकाश तत्व का, प्राणमय शरीर माना वायु तत्व का, और वायु के अंदर ही अग्नि होता है, अग्निमय शरीर। तो तीन तत्वों का शरीर, आकाश वायु और अग्नि, तीन तत्वों का शरीर, उसके ऊपर आकाश तत्व का शरीर माना कारण, कारण शरीर में कर्मों के कारण जो शरीर इफेक्ट होता है, कर्मों के कारण जो शरीर में रिकॉर्डिंग होता है, वो प्लस माइनस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव शरीर होता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर जब डिस्चार्ज हो जाता है, आकाश तत्व आत्मा में खत्म हो जाता है, तभी नीचे गिरती है। आकाश तत्व जब ज्यादा बढ़ता है, कारण शरीर चार्ज होता है तो ऊपर जाता है। कारण शरीर कब चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है? कारण शरीर जब आत्मा तपस्या करती है, ज्ञान होता है, ऊपर शिव निराकार को याद करती है या विष्णु को याद करती है तो उसके अंदर विष्णु से पावर आती है, शिव को याद करती है तो शिव से पावर आती है, जिसको याद करोगे इससे पावर आएगी। तो जब वो निसंकल्प होकर तपस्या करती है, माया की दुनिया को भूल जाती है, आत्मा के अंदर मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, तो आत्मा में जब शक्ति आती है तो आत्मा में निसंकल्प अवस्था आती है। जब आत्मा तपस्या करती है तो निसंकल्प बनती है और अपने इष्ट देव को याद करती है, तो इष्ट देव से जो पावर आता है, तो जब विष्णुपुरी से पावर आता है तो विष्णुपुरी तक जाने की शक्ति होती है, शिवपुरी से पावर आता है तो शिवपुरी से होती है, निराकार से आता है परम नाम से, तो निराकार को याद करो तो परमधाम तक जाओ। तो आत्मा का कारण शरीर कैसे चार्ज होता है? कारण शरीर चार्ज होने के लिए पावर चाहिए, क्या चाहिए? पावर चाहिए, आत्मा का पावर। तो पावर कहां से आएगा? जिसको याद करोगे इससे पावर आएगा, जिसको याद करोगे वहां से पावर आएगा। और कैसे? किसी नेगेटिव आत्मा को याद करोगे तो उसे नेगेटिव पावर आएगा, नेगेटिव पावर ब्लैक कॉस्मिक आएगा, तो किसी को याद नहीं करना, ऐसे वैसे किसी को याद नहीं करना, किसी की छाया भी नहीं लेना, भिखारियों की छाया भी नहीं लेना, अच्छे अच्छे लोगों का संग भी करना है, मगर एक भगवान को याद करो। ज्ञान बात क्या कहते हैं, एक बात दूसरा ना बोलते, भगवान को याद करो, इसलिए अंतिम समय में भगवान को याद करते हैं। अंतिम समय आता है तब क्या कहते हैं, भगवान को याद करो, राम नाम सत्य राम नाम, राम को याद करो तो विष्णुपुरी तक ध्यान हो, क्योंकि उसका अवतार है ना राम। राम को याद करने से विष्णु से पावर आती है, कृष्ण को याद करने से विष्णुपुरी से पावर आती है। तो
कहीं डायरेक्ट विष्णु को याद करते हैं, विष्णु से पावर आती है। तो ऐसी तरह आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर ये धरती पर कैसे चलती है, धरती पर चारु होता है, सत्युग तेता द्वापर कलयुग चारु होता है, तब अर्ध प्रलय होता है। ऐसे ही कुछ देर बाद अर्ध प्रलय होता है, तब धरती पर टोटल प्रलय होता है, फिर मनुष्यत्रुप का टाइम पूरा हो जाता है। मनुष्यत्रुप का टाइम, तो मनुष्यत्रुप को अलग अलग धर्मों में मुसलमान क्या कहते हैं, आदम हवा, क्रिश्चियन लोग एडम ईव कहते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का मात पिता माना मनुष्यत्रुप, उसका टाइम पूरा हो जाता है, धरती पर टोटल प्रलय हो जाता है। और ऐसे चौथ बार अर्ध प्रलय, चौथ बार प्रलय होते हैं, मनवंतर, चौथ मनवंतर होता है, तब एक कल प्रलय होता है। कल प्रलय माना भूलोक, भूगोल लोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। जो देवताओं को ज्ञान होता है, जो महालोक जिन लोग ऊपर चले जाते हैं, तो कल प्रलय कैसे होता है, जो विष्णु होता है वो सूर्य में प्रवेश करके कई कई पुण्य अग्नि पैदा करता है, और भूलोक भूगोलोक तीनों तीनों लोग को जलाकर भस्म करते हैं, तीनों लोग बढ़ाकर भस्म करते हैं। फिर बाद में बारिश होती है, और बारिश के कारण फिर धीरे धीरे सब सज्जन होता है, तीनों लोग भूलोक भूगोलोक तीनों। और कल प्रलय के बाद महाकल प्रलय होता है, ब्रह्मापुरी का एक दिन बराबर यहाँ कल प्रलय होता है, ब्रह्मापुरी का एक दिन माना एक कल प्रलय। और जब महाकल प्रलय माना महाकल प्रलय में क्या होता है, शिव सूर्य में प्रवेश करता है, और सूर्य में काल अग्नि पैदा करता है, जिसको साइंस वाले ब्लैक होल कहते हैं, क्या कहते हैं साइंस वाले, ब्लैक होल कहते हैं। और पूरे ब्रह्मांड को अपनी ग्रेविटी से खींच कर जलाकर भस्म, पूरा जलाकर भस्म। तो ये एक केवल एक सोलर सिस्टम है, कितनी, एक सोलर सिस्टम है। ऐसी हमारी गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं, हमारी आकाश गंगा में ऐसे 400 अरब सोलर सिस्टम है, सूर्य 400 अरब सूर्य मिल्की वे में, मिल्की वे में, एक मिल्की वे 400 अरब सूर्य में बन के एक मिल्की वे बन गई। और ऐसी 400 अरब मिल्की वे, अबज बोले तो, अबज मतलब, अबज माना बिलियन, बिलियन बिलियन, ओके 400 बिलियन, 400 बिलियन सोलर सिस्टम, ओके इज इक्वल टू 1 गैलेक्सी, मिल्की वे, मिल्की वे। और हमारे हमारे मिल्की वे से भी बड़ी बड़ी दूसरी गैलेक्सी हैं, अभी वो मिल्की वे की बात बताता हूँ। इसमें समझ में आ गया, उसमें कुछ पूछना है, कुछ नया मिला उसमें, ये मैंने ग्रहों के साथ तुम्हें बताया। बाप सुपर मासिक का क्या मतलब होता है, सुपर मासिक को ब्लैक होल बन, ये वो आ गया है, ये नहीं, ये तो ये केवल ब्लैक होल बनता है। ये सूर्य जब शिव में जब पावर खत्म हो जाती है, ब्रह्मा का 100 साल होता है, तब सूर्य शिव रचयिता है, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, शिव में पावर खत्म हो जाती है, तब शिव सूर्य में प्रवेश कर लेता है, और काल अग्नि पैदा करता है, काल अग्नि पैदा करता है, काल अग्नि पैदा करता है, ये पूरे ब्रह्मांड को जला अपने अंदर खींच लेता है, काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है और अपने अंदर समा लेता है। तो सूर्य को भी पावर चाहिए तो महाशिव के पास जाएगा, महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, समझ में, महाशिव माना गैलेक्सी का, चलो इसको साफ करो फिर मैं गैलेक्सी